नमस्कार, मैं स्वीटी और आप देख रहे हैं द एसटी न्यूज़। लगातार जिस तरीके से बिहार में बात बात पर अब लोग जो हैं पिस्टल निकाल देते हैं और फायरिंग कर देते हैं, बिहार में गोली चलाना आम बात हो गया है। ताज़ा मामला बिहार के औरंगाबाद से है, जहां एक बार फिर से गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा बिहार दहल उठा है। बता दें कि औरंगाबाद में कार पार्किंग को लेकर आपसे हिंसक झड़प में मारपीट होती है, गोलीबारी होती है, जिसमें 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो जाती है। बता दें कि कार पार्किंग को लेकर आपसे विवाद होता है, जिसके बाद कार में बैठा शख्स पिस्टल निकालकर फायरिंग कर देता है, जिसके बाद दुकानदार को न लगकर किसी अन्य शख्स को गोली लग जाता है, जिसके बाद उसके बाद मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। दरअसल बता दें कि जिस तरीके से लगातार बिहार में जो है अपराधियों जो घटनाएं हैं वो बढ़ता जा रहा है। घटना बारून नवीनगर थाना क्षेत्र के तितरिया मोड़ के पास की है, जहां नाश्ता पानी की दुकान के आगे कार पार्किंग को लेकर दुकानदार और कार सवार युवकों के बीच हिंसक झड़प में कार सवार एक युवक ने पिस्टल से फायरिंग कर दी, जो दुकानदार को न लगकर पास रहे एक अन्य शख्स को लग गई, जिसकी ही मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। इधर मौत के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने कार सवार 4 लोगों पर हमला कर दिया। ग्रामीणों के इस हमले में कार सवार 2 की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य की हालत गंभीर बताई जा रही है। दोनों घायलों को आवश्यक प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। सूचना पाकर मौके पर पहुंची नवीन नगर पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। कार सवार सभी पलामू के हैदरानगर के रहने वाले बताए जा रहे हैं। घटना की जानकारी देते हुए एसपी स्वप्न गौतम मिश्राम ने बताया कि 3 लोगों की मौत हुई और 2 का इलाज कराया जा रहा है। घटना की जानकारी मिलते ही सदर एसडीपीओ मोहम्मद आमुनुल्लाह खान घटनास्थल पर कैंप कर रहे हैं और मामले को शांत करने की कोशिश में जुटे हैं। एसपी ने बताया कि इस मामले में पुलिस पूरी घटना की जानकारी एकत्रित कर आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। ऐसे में क्या कुछ कह रहे हैं मृतक के परिजन, क्या कुछ कह रहे हैं औरंगाबाद के एसपी, उनकी बातों को आप सुनिए। ट्रक खड़ा था, ट्रक आया, ये लोग गाड़ी खड़ा कर दिया है। ये जो 4 आदमी है, जो तो मुकेश चौहान नाम का आदमी है, वो कहने गया कि भाई साइड कर लीजिए गाड़ी, कहते कहते इन लोरी वाले पर निकाल लिया और चला दिया। चलाया तो वो अपना मुड़ी घुमा लिया और जाकर के इनको लग गया, राम शरण चौहान को लग गया। मृतक का नाम क्या है? राम शरण चौहान। अच्छा, ग्राम महुआरी। फिर इसके बाद क्या हुआ? इसको नबीनगर थाना क्षेत्र के तेतरिया मोड़ के पास एक दुकान के आगे कार को खड़ी करने को लेकर दुकानदार एवं कार में बैठे लोगों के बीच बहस हुई। बहस के क्रम में कार में बैठे एक व्यक्ति ने अपने पिस्टल से दुकानदार के ऊपर गोली चला दी। उक्त गोली दुकानदार के बगल में बैठे एक स्थानीय ग्रामीण व्यक्ति को लगी, जिनकी इलाज के क्रम में ले जाने के क्रम में मृत्यु हो गई। आक्रोशित ग्रामीणों द्वारा कार में बैठे 5 लोगों के साथ मारपिटाई की गई, जिससे कार में बैठे 3 लोगों की अब तक मृत्यु हो गई है और 2 को जो है वो इलाजरत हायर सेंटर्स के लिए भेजा गया है। इसके अलावा दोनों हत्या के मामलों में FIR दर्ज कर अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। इसके साथ साथ FSL की टीम को भी एविडेंस कलेक्शन के लिए बुलाया गया है। सभी वरीय पदाधिकारी घटनास्थल विजिट कर रहे हैं और घटनास्थल पर कैंप कर रहे हैं और इन मामलों में दोषियों को चिन्हित करके अग्रतर। तो आपने साफ तौर पर सुना कि सीधे तौर पर उनका कहना है कि कार में सवार जो युवक होता है वो दुकानदार पर फायरिंग कर देता है, लेकिन दुकानदार को न लगकर किसी अन्य शख्स को लग जाता है, जिसके बाद उसके मौके पर ही मौत हो जाती है। और हिंसक झड़प में, मारपीट में, इस कार पार्किंग के विवाद में 3 लोगों की मौत हो जाती है, जिसके बाद जो पुलिस है मामले की छानबीन में जुटी है और आगे की कार्रवाई में जुटी है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहे। धन्यवाद।